आंसर रिंग सर्च कितलो आसा सो मार इसी कारण मुझे लड़की नहीं मिलती है ना ही इसको मिलती है। ऑल राइट कैसे हो आप, बहुत दिनों के बाद आए हैं हम दोनों साथ में। तो सीन्स कुछ ऐसे है कि आज हम दो नए सप्लीमेंट्स को ट्राई करने वाले हैं। तो मैं ये प्री वर्कआउट लूंगा, छोटा वाला लिया है मैंने, और ये सिट्रोलिन मिलेट है। तो इसके फायदे आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, YouTube में देख सकते हो। इसको भी पहली बार दूंगा मैं, और ये अभी ट्राई करेगा, मैं भी ट्राई करूंगा, और अब आपको हम दोनों अपनी अपनी मेरा प्री वर्कआउट देखो, मेरा प्री वर्कआउट क्या है वो? मेरा प्री वर्कआउट क्या बोलते हो सर? जैगरी। ओह माय गॉड, सो मच इंग्लिश, जैगरी। तो हम दोनों इसको ट्राई करेंगे और आपको इसका टेस्ट बताएंगे और क्या सीन है सब आपको देखने मिलेगा। आज हमारा है लेग वर्कआउट, लेग वर्कआउट करेंगे हम, अच्छे से करेंगे हम, बहुत हैवी होगा। तो ये जो वीडियो है ये बहुत रॉ होगा। ये देखो बॉटल को कितना गंदा करके रखता है, इसका बॉटल है ये मेरा वो पीछे वाला, आप लोगों को पता ही होगा, ब्लैक कलर पीछे देखो वाला, कौन सा बॉटल? वो ब्रदर थोड़े से चेस करेंगे इस सिट्रोलिन मिलेट के नाम पे। ओके बहुत खट्टा खट्टा है पी 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 एक घटा थ्री दाता बिता लक्ष थ्री टू स्टार्ट बहुत ही कट्टा टेस्ट है, बट हाँ हो जाएगा, मतलब आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा रहा है, बट पीते वक्त बहुत कट्टा है। मत ट्राई करो, ये ऐसे भी कुछ करता नहीं है। चलो गाइस, इस वीडियो को अभी हम एंड नहीं करेंगे, हम मिलेंगे जिम में। मैं थोड़ा सा तैयार होता हूँ, बैग पैक करता हूँ और आज के सेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। प्री वर्कआउट पीने वाला हूँ, और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है मैं, एज पर माय रिसर्च। और मेरे को मसल प्लेस ब्रांड बहुत मन से अच्छा लगता है, तो मैंने रैथ एक्स ट्राई करने के लिए छोटा सा मंगाया, एंड अभी हम इसको ट्राई करेंगे। लाइफ में पहली बार मैं प्री वर्कआउट लेने जा रहा हूँ, और आज लेग डे है, और आई एम होपिंग कि अच्छे से यू नो किक करेगा, किक इन करेगा। अभी दो क्या हो कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं था, मैं जो हमारी यार यहाँ पर बात कर रहा था किसी से, एंड लिटरली मैं बोल रहा हूँ अभी तक ना कान अंदर से ऐसे गर्म हो रहा है। प्री वर्कआउट शायद किक इन करना स्टार्ट कर दिया, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वार्म अप एज सून एज पॉसिबल राइट नाउ, लाइक टाइम वेस्ट नहीं। बहुत ऐसे अंदर से गर्म गर्म फील हो रहा है मेरे को कान के पास, सब ऐसे कुछ तो हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है। आज का लेग डे का मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट्स,
4 से 5 सेट होगा। निहाल का चेहरा देखने लायक है, कैमरा में पीछे नहीं कर सकता वरना मैं दिखा देता। तो स्क्वाट्स होने के बाद हम करेंगे एक्सटेंशन, वो भी 4 सेट स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, एंड उसके बाद हमारा होगा लेग प्रेस, तो उसका 2 सेट करेंगे, बहुत फेलियर तक जाएंगे। मैंने सुबह 2 चपाती खाया था, उसके बाद कुछ ऐसा एनर्जी सोर्स नहीं है। आई होप आज का सेशन जो है वो अच्छा है। प्री वर्कआउट हिट करना स्टार्ट कर चुका है, थोड़ा सा टिंगलिंग जैसा हो रहा है। अब मोस्ट ऑफ द लोगों का ना स्क्वाट्स करते वक्त लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इवन इंक्लूडिंग मी, नेहल का भी होता है, मुझे भी होता है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। आज का जो सेशन होगा मेरा 110 से 6 से 8 रेप का होगा 2 सेट, एंड उसके बाद 120 का भी ट्राई करूंगा मैं, एंड नेहाल का जो होगा वो 100 kg का 1-2 सेट होगा, एंड उसके बाद 110 kg का 1 या 2 सेट होगा। अभी उसका यू नो लाइक चेहरा देखने के लायक है, क्योंकि उसको स्क्वाट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं करता है, ये बहुत वीक है ना इसीलिए, और मैं स्ट्रांग हूँ, ये लेग प्रेस करता है जो लड़की देखो वो एक ही दिखाते रहता है, वो भी गया अभी, एंड लेग प्रेस ऐसा यू नो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इतना, बट अगर आप प्योरली हाइपरट्रॉफी बेस्ड वर्कआउट करते हो तो लेग प्रेस अच्छा है, स्क्वाट करने की जरूरत नहीं है, बट स्क्वाट स्क्वाट है, कुछ तो ऐसा फील आता है स्क्वाट करने के बाद ना, कुछ तो ऐसा लेजेंडरी वाला। लास्ट वार्म अप सेट था, एंड अच्छा किया, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं किया। इसके बाद ये करेगा 100 kg का अटेम्प्ट मैक्सिमम रेपिटेशन, और मैं 110 मैक्सिमम रेपिटेशन। ऑलराइट, अभी हमारा जो निहाल है ये 100 kg अटेम्प्ट करने जा रहा है, एंड मैं कैमरा को ऐसे फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ, ट्राइपॉड पे लगाए ताकि इसको यू नो वीक पीपल 100 kg के लिए टच सपोर्ट के लिए बुलाया मेरे को। वीक पीपल ऐसे नहीं बनना चाहिए, पता है? साइड मार के दिखाओ। वो मैं मार दूंगा 5 किलो ऊपर नीचे, बाकी सब बढ़िया है। अभी आप देखो 100 kg कैसे स्मूथली हमारा निहाल कर लेता है। Come on, brother. You can do it. 1. Come on. Breathe, breathe, breathe. Core tight. Brace. 2. Come on, bro. 3. Come on, nice. 5 more. 4, come on. Easy, easy. Last 4, core tight. Up. 5, come on. Easy, sir. 6, come on, 2 more. Okay. Kaisa raha? 100 kg. Oh my god. की चल रहा है? लाग ने मार दिया। माइक चिट्टे लगा। ऐसे इसीलिए बोलता हूँ, लेग प्रेस कभी नहीं करना चाहिए। हिम्मत नहीं होती, टांगों पे जान नहीं होती है। बस हो गया। अभी मेरा अगला ये 110 अटेम्प्ट करेगा। एक ही सेट बस है 100 kg का। बस हो गया क्या? 2 सेट और है वार्म अप पे, 5 सेट हो गए इधर। 2 सेट और है, अब मैं करूंगा। कमेंट कर। अब सीन जो है ना, मैं 80 kg के बाद सीधा 110 अटेम्प्ट करने वाला हूँ। आई होप ये गलती में कन्वर्ट ना हो और ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो और अच्छे से 6, 7, 8 जितना भी रेप है वो आ जाए। चा
थोड़ा सा वीक फील हुआ, 100 kg लेना चाहिए था मुझे, बट पता नहीं ब्रीदिंग ब्रीथ होल्ड करते वक्त मेरी चेहरा जो है वैसे मुझे फील हुआ, आप लोगों को कैमरा भी दिखा कि पता नहीं बहुत ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, पता नहीं कुछ तो अजीब लग रहा है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ। 100 kg का 1-2 रेप कर लेना चाहिए था वार्म अप, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, थोड़ा ज़्यादा लूँगा एंड उसके बाद इसी वेट का एक और करूँगा एंड उसके बाद देख लूँगा मैं 5 आया कि 6 आया, 5 या 6, 2। कम ऑन ब्रदर, मनान कर, इतने करता मनान कर, बिगी बिगी आराम से, बस कम ऑन, 1 इजी, कम 2, थ्री कम ऑन, 3 मोर, लास्ट 3 Easy. 4, come on. Last 2, bro. 5, come on. 6. Very good. Touch चाहिए तो बोलो. दी. थोड़ा show off मत करो. Touch चाहिए तो बोलो. अभी मैंने रियलाइज किया जस्ट अभी, ओके ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मैंने ओके माइक यहाँ पर है, अभी मैंने रियलाइज किया और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था एंड आई जस्ट रियलाइज दैट आई फक्ड अप, लाइक मेरे को 110 करना था और मैंने कर लिया 120 का 5 एंड मैं सोच रहा हूँ मतलब मैंने 100 kg का वार्म अप नहीं लिया इसलिए मेरे को 110 यू नो हैवी लग रहा है, बट मैंने जो किया था वो 120 था एंड अभी 120 का मैं दूसरा सेट करने वाला हूँ एंड अभी देखेंगे 120 ही करूँगा मैं, देखेंगे कैसा होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इतना हैवी हैवी क्यों लग रहा है बारी बारी, बट योर ब्रो इज स्ट्रांग ब्रदर, एक सौ बीस का 3 रेप मैंने किया एंड बाकी 2 निहाल ने सपोर्ट दिया, 4 किया 5 किया मैंने, अप वेरी गुड, इजी है लाइट माल तू, कम ऑन इजी है ब्रो, ब्रीज ब्रीज अप इजी अप अप अप, निहाल ने 110 अटेम्प्ट किया बट फेल हुआ नहीं, फेलियर से ही इंसान बनते हैं ब्रो, लाइक अगली बार अच्छे से होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक नहीं उसके अगले वीक नहीं नेक्स्ट वन डायरेक्ट नेक्स्ट वन, ओके उसने 110 किया है लास्ट वीक ना, कुछ 2 हफ्ते पहले जब किया था 110 किया था तूने, 100 कर लो ओके, तो 100 किया था 110 उसने, अभी जो अटेम्प्ट किया ना वो गया नीचे, नीचे जाने के बाद मैं हल्का सा अगर उठा था ना वो उठ जाता, मैं उठाया नहीं ताकि वो अपने एनर्जी ला ले, गर्लफ्रेंड की याद आई बीच में, नीचे ड्रॉप कर दिया था, अगर मैंने हल्का सा भी पुश देता वो उठ जाता। ऑलराइट ये दूसरा एक्सरसाइज है, इसका 3 सेट करेंगे हम, 3 से 4 सेट करेंगे, 3 सेट कितना 3 सेट, बहुत लेट भी हो गया गाइस, लाइक 3:30 हो गया और हमने कुछ खाया नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ सुबह से 2 चपाती है,
एक प्रो टिप है, अगर आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहे हो हैमस्ट्रिंग के लिए, आपके लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन आता है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते वक्त, तो आप ये एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। मुझे है दर्द तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये यू नो लाइक काम करेगा करके। आप ऐसे कुछ भी ऐसा थोड़ा सा अपने टो को एलिवेट रखो, ऐसे प्लेट रख सकते हो एंड देन एलिवेट रखो एंड उसके बाद, अरे घुस जा मेरी माँ, ओके उसके बाद ऊपर ओके एंड बॉडी स्ट्रेट, अपने हिप्स को पीछे पुश करो, धक्का मारो, हल्का सा नहीं बेंड रहेगा एंड एक सेकेंड होल्ड, अब इतना ही बस, फिर स्ट्रेच ओके। इसको अटेम्प्ट करो एंड आप कमेंट करके बताओ कि अभी भी आपके लोअर बैक में दर्द होता है जब आप स्टिफ लेग करते हो, अगर नहीं होता है तो तारीफ करो मेरे बारे में, एक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो। अभी निहाल को मैं ट्राई करवाने वाला हूँ, निहाल खुद अपना एक्सपीरियंस बताएगा और सच्ची सच्ची बताना है ओके, ऐसा झूठ नहीं। इसको भी दर्द है इसीलिए, बट इसको अच्छा लगता है स्टिफ लेग, मेरे को भी अच्छा लगता है। भाई दबे थोड़ा इधर ज़्यादा फोकस करो, हटला हटला नहीं अच्छा नहीं है क्या? क्या देखा तो उतना अच्छा नहीं है, मेरे वाला अच्छा है, डम्बल का। कौन सा डम्बल? डम्बल का नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ दर्द किया लोअर बैक में। नहीं नहीं, लोअर बैक में दर्द नहीं किया ना, तो वही बता रहा हूँ। अच्छा कौन सा है, डम्बल वाला, बारबल वाला, वो नहीं, लोअर बैक पे आया क्या प्रेशर? फिर भी मैं कौन सा करता हूँ ना, वही अच्छा है। अगर इसके वाले करोगे ना तो कभी आपका लेग्स ग्रो नहीं होगा। अगर उसका लेग्स देखोगे बैम्बू स्टिक जो है वैसे, उससे थोड़ा सा मोटा है, बाकी क्या मोटा है तुम्हारा? चेहरा उतर गया एक बंदे का, इसीलिए लेग्स किया करो। बहुत दिनों के बाद, आज भी फिसल रहा है, बहुत दिनों के बाद मैंने हैमस्ट्रिंग को अच्छे से ट्रेन किया और उसमें कल्ड का नया रूल्स आ चुका है कि वीडियोस फोटोज प्रोहिबिटेड है इन द जिम, कहीं अपलोड नहीं कर सकते, फलाना डिमकाना, पता नहीं कल्ड का क्या सीन है। यू नो लाइक मैं अगर मेरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या सीन है। अब मैंने ओनर से भी बात किया है, ओनर ने बोला कि उन चार पार्टनर है, तो चारों पार्टनर से बात करके मुझे बताएंगे मुझे यू नो परमिशन मिलेगा कि नहीं, बट मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, बट पता नहीं। और मेरा 8 दिन में मेंबरशिप ख़त्म होने वाला है एंड फिर नया मेंबरशिप रिन्यू करना था, बट अगर इन्होंने मना कर दिया वीडियोस निकालने के लिए मैं ये मेंबरशिप नहीं लेने वाला हूँ, बट इसने यहाँ का मेंबरशिप ले लिया है एंड अब पता नहीं, मतलब इनका समझ नहीं आ रहा मेरा मूड, मेरा वो भी एक साल का, मेरा पूरा मूड जो है वो ख़राब हो गया। मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालने वाला था थंबनेल के लिए, बट अभी सब गया एंड आप जो भी देखोगे अभी धीरे से, अभी आप जो भी देखोगे ना लाइक वो फ़ोटो वीडियो से ही मैं स्क्रीनशॉट निकाल के फिर थंबनेल करूँगा। मैंने सोचा था इस वीडियो को बहुत अच्छे से रॉ पूरा यू नो अच्छे से बनाएंगे करके, बट आधा अधूरा वर्कआउट किया, मेरा मूड ही ख़राब हो गया। काफ्स करना था, लेग प्रेस करना था एंड फोटोशूट्स वीडियोस करनी थे, पोजिंग करनी थे, सब खराब एंड अभी सीधा मैं खाना खाने जाऊँगा, बाकी सब बढ़िया। सब्सक्राइब करो, हाँ वही सेम कॉपी पेस्ट करो जो उसने बोला, लाइक करो, कमेंट भी करो और मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फॉलोअर थोड़ा कम है फिर भी करो। नाम क्या है? नाम निहाल आचारी, स्टडिंग इन बाल मंदिर हाई स्कूल कारवार। इंस्टाग्राम का नाम? इंस्टाग्राम का, हाँ वही निहाल आचारी, फॉलो करो।